Name
जो
मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र आपको जो
Vinashi, Atma hai, isko aaj ka samay hai. Tab uska jo hai behas karna bas hua hai, to unse behas kar raha hai. Is tarah se jo hai logon ko jo hai shuddh karne ke liye aur jitna wo samajh sakte hain samajhne ke liye हमें ये जो विषय है वो छोड़ना पड़ता है. आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग संसारी कार्यों में अत्यधिक रहते हैं, वे रामानंद तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच की भावपूर्ण वार्ता को नहीं समझ सकते. इसीलिए महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वे सारी वार्ताओं को गुप्त रखें और उन्हें सामान्य जनता के सामने प्रकट न करें. जो वास्तव में कृष्ण भवन में उन्नत होता है वही वे विगुप्त भागों को समझ सकता है, अन्यथा ये विक्षिप्त प्रतीत होंगे. इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बताया कि वे दोनों ही बातुल उन्नत रहते हैं और एक ही तरह करते हैं. इसकी पुष्टि भगवत गीता 2:69 द्वारा भी होती है. ज्ञान सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सांसा कश्यपो मने. जो समस्त जीवों के लिए रात है वो स्नेह व्यक्तियों के लिए जगने का समय है. जो समस्त जीवों के लिए जगने का समय है वो अंतर्दर्शी मुनियों के लिए रात है. कभी कभी संसारी व्यक्तियों को कृष्ण भवन में एक प्रकार का पागलपन जैसा प्रतीत होता है. जितने संसारी व्यक्तियों के कार्य कृष्ण भावना भवित व्यक्ति द्वारा पागलपन का एक रूप समझे जाते हैं. तो हमारे लिए वो पागल है, उनके लिए हम पागल. इसको जो है इस श्लोक का श्री भगवान ने कहा हमें काफी चर्चा हुई है, उसमें से कुछ माता पढ़ के सुनाऊंगा. एक प्रवचन दे रहे हैं उसमें कहते हैं, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने समस्त प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग किया है तथा वो श्री कृष्ण के दिव्य आध्यात्मिक सेवा में लग गया है. तो भौतिकतावादी लोग देखते हैं तथा कहते हैं कि कैसा बेकार का व्यक्ति है कि इसने सभी प्रकार के भौतिक भोगों को त्याग दिया है. यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावना भवित जीवन रात्रि के अंधकार के समान प्रतीत होता है. विदेशों में लोग जब ये देखते हैं कि हरे कृष्ण भक्तगण किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते हैं और ना ही वे मांसाहार करते हैं, तो वे सोचते हैं इन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं. दिन के प्रकाश में व्यक्ति को अनेक प्रकार के रूप रंग दिखाई पड़ते हैं तथा वो विविध प्रकार के अमोद प्रमोद में अपना मन लगाता है, परंतु रात्रि के अंधकार में उसे काले अंधकार के सिवा और कोई भी रूप रंग नहीं दिखाई पड़ता है और न ही उसे किसी भी प्रकार के अमोद प्रमोद का लाभ मिलता है. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है तथा कृष्ण भावना भव्य जीवन रात्रि के अंधकार के समान है. जिस समय रूस में हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा था उस समय रूसी सरकार ने देखा कि हरे कृष्ण भक्तगण न तो शराब ही पीते हैं और न ही मांस खाते हैं. ये लोग तो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही करते रहते हैं. तो रूसी सरकार ने हरे कृष्ण भक्तों के इस कार्य को कानूनी अपराध माना. रूसी सरकार का कहना था कि हरे कृष्ण भक्तगण शराब और मांस का सेवन ना करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और हरे कृष्ण के कीर्तन के द्वारा अपना दिमाग खराब कर दिया. रूसी सरकार का यह विचार था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शराब पीना और मांस खाना अत्यंत आवश्यक है तथा हरे कृष्ण मंत्र की एक ही ध्वनि यदि बार बार सुनी जाए, कोई भी शब्द एक बार 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 सुनते हो, कोई भी शब्द को बार बार सुनते हो तो दिमाग के लिए बहुत घातक है. उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि रात्रि के अंधकार के समान है. गीता के अंत में भगवान ने कहा, जो तपस्वी और भक्त नहीं है उन्हें तो गीता का संदेश ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक चर्चा अंधकार के समान नीरस है. यदि ऐसे लोगों को श्री कृष्ण का संदेश बताया जाएगा तो वे इस संदेश का आदर नहीं करेंगे. वे सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन दिन के प्रकाश के समान है और इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण लेना रात्रि के अंधकार के समान है.
जब श्रीनिवास पंडित के घर में कीर्तन होता था, संकीर्तन आंदोलन के प्रारंभिक दौरों में महात्मा चेतन ने श्रीनिवास पंडित के घर में रात्रि भर कीर्तन किया करते थे। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए रात्रि का समय सोने के लिए था, परंतु भक्तों के लिए आनंद का समय था। संध्या होते ही सब भक्त थोड़े थोड़े करके श्रीनिवास के घर में आ गए। उस समय मुकुंद महाशय भक्तियों सम्मत श्लोकों को पढ़ने लगे थे। पुण्यमान मुकुंद का ऐसा दिव्य कंठ था, जिसे सुनते ही भगवान चैतन्य में भावावेश हो आता था और वे हरि बोल कहकर गर्जने लगते थे और चारों ओर गिरने लगते थे। कोई भी उनको पकड़ कर रंग नहीं पाता था। भय, हाथ, कंप, पसीना, पूरा गर्जन आदि सब भावी शादी प्रभु में प्रकट हो जाते थे। यह पूर्व दृश्य देखकर भक्तन आनंद में गाने लगते थे। इधर प्रभु का प्रेम भाव शांत नहीं होता था। सारी रात एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट की तरह बीत जाती, पूरी रात एक मुहूर्त 48 मिनट की तरह बीत जाती थी। प्रभात काल में जैसे जैसे प्रभु बाहरी दशा में आते थे, इस प्रकार श्री चैतन्य रात भर निरंतर कीर्तन करते थे। महाप्रभु के कीर्तन, महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरम्भ कर दिया, जिसे देखकर भक्तों के दुख नष्ट होने लगे। श्री सचिदानंद बार बार हरी बोल कहकर पुकारते, जिससे पाखंडियों में निद्रा भंग हो जाती और उनका जागरण होने लगता। निद्रा सुख भंग होने से बहनों लोगों को क्रोध होता, जिसके मन में जो आता वही पकने लगता था। कोई कहता क्या इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता था क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते, कोई कहता था इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, कोई कहता था ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उद्दंड चाल पकड़ ली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक की शिक्षा भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन के साथ अत्यंत मेल खा गई। जिस प्रकार इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भौतिकतावादियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी व्यक्ति जागते हैं, उसी प्रकार सामान्य व्यक्तियों के लिए जो रात्रि का समय सोने के लिए था, उस रात्रि में भगवान चैतन्य तथा उनके भक्तगण संकीर्तन का आनंद लेते थे। श्री चैतन्य के चरित्र में घोल बेचा सिद्ध का चरित्र भी अत्यंत दिव्य है। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए इन्हें रात्रि के चार पहर लिए नहीं आते, वे सारी रात हरी हरी क्योंची तेल लगा देते। पाखंडी नेता लोग कहते थे कि श्रीधर की चिल्लाहट के मारे हम रात भर सो नहीं पाते हैं और हमारे दोनों कान फटे जाते हैं। कमार उल्लू कहना भात से पेट भरता नहीं, इसी से भूख से जाकर होकर और रात भर जाग जाग कर मरता है। इस प्रकार पाखंडी लोग गाली दे देकर जलते मरते, परंतु श्रीधर मस्त होकर रात्रि भर कीर्तन करते रहे। इस तरह से बहुत सी बातें हैं इस व्याख्या में, तो आज के जो बयान है इसमें श्री चैतन्य ने ये बता रहे हैं, गीता में भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरण वाक्यम सत्यम प्रियकम चय स्वाध्याय भस्मं चय वाम मयं तपोचेति। ऐसा वाक्य बोलना है जो उद्वेग पैदा ना करे, तो सबसे पहले तो उद्वेग पैदा ना करे, यानी कि सत्य सत्य बोलने ही हमेशा सत्य बोलना, ऐसा नहीं सत्य बोलना है, लेकिन इससे पहले आवश्यकता क्या है कि उद्वेग पैदा ना करे, अनुद्वेग करना मात्र फिर सत्य भी हो। तो दूसरी आवश्यकता है सत्य की, ये पहली आवश्यकता क्या है उद्वेग पैदा नहीं, सत्य है लेकिन आपको बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या बोलना है, वो आपको विचार करना चाहिए। सत्यम इसके बाद प्रिय है, सत्य भी हो लेकिन फिर प्रिय भी लगे, आपको इस तरह से बोलना है कि वो प्रिय भी लगे। सत्यम प्रिय हितम इसमें हितकारी, यानी सत्य बोल रहे हैं प्रिय बोल रहे हैं लेकिन हितकारी नहीं, जैसे कि न्यूज पेपर जो आजकल के समाचार पत्र हैं तो उनमें सत्य समाचार होते हैं, सत्य घटनाएं होती हैं लेकिन वो हितकारी नहीं होती हैं घटनाएं, उन घटनाओं को पढ़ करके सुन करके लोगों की जो भावना है वो दूषित होती है। जैसे बलात्कार के घटनाएं समाचार पत्र में न्यूज नहीं है, उनको पढ़ करके लोगों के दिमाग में क्या है वो दोष पैदा होता है और ज्यादा होती है।
आती है समाचार पत्र में, तो प्रशंसा की भाव नहीं आती, निंदा की भाव आती है। लेकिन उससे भी जो है लोगों की जो चेतना है वो दूषित होती है। इसके कोई भी बात हो सत्य भी हो और प्रिय भी हो लोगों को अच्छा लगता है, समाचार पत्र में ऐसी भी घटना है। बलात्कार है और हिंसा हत्या हत्या की घटनाएं, ये घटनाएं तब सत्य घटनाएं होती है और लोगों को अच्छा मसाला भी मिलता है पढ़ने सुनने में, लेकिन वो हितकारी नहीं। विदेशों में जो है बच्चे भी समाचारों को सुन करके या देख करके टीवी में वो भी शिक्षक को जो है गोली मारते हैं बच्चे की, जो बलात्कार है और हिंसा है ये जो घटना है समाचार पत्रों में या मीडिया में जो आती हैं ये जो है सत्य हैं और प्रिय हैं ये हितकारी नहीं। जब आप बोलते हैं तो राम मयम तक पहुंचते तब वाणी का दर्शन होती है, तब वाणी का दर्शन होती है। तो इस तरह से जो है भगवान सामान्य है जो मैं बताते हैं, लेकिन फिर लोग बात करते हैं कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कठोर वचन बोलते हैं और उनके अज्ञान को काटते हैं। गुरु का काम है साधु का काम है अज्ञान को काटना, तेज धार वाली चाकू से कोई व्यक्ति जो है आसानी से किसी मोटे आवरण को काटता है, उसी प्रकार से साधु के जो वचन होते हैं तेज धार वाली चाकू की तरह होते हैं और लोगों के अज्ञान को काटता है, साधु अज्ञान को काटता है। दोनों बात है, कठोर बात बोलनी पड़ती है, जब कठोर बात बोलनी पड़ती है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है। सबसे पहली बात हम जो है अपने को साधु दिखाते हैं कि हम कैसे हमारा यही काम है, अगर हमारा यही काम है तो आप सुनोगे तो आप पहले से समझ लोगे हमारा काम क्या है, हम आपके अज्ञान को काट रहे हैं, हम अज्ञान को दूर कर रहे हैं, तो आप तैयार हो जाएंगे तो उद्योग नहीं पैदा होगा। तो जब साधु को बोलता है तो लोग सामान्य जनता जो है आदर करते हैं कि भाई ये तो बोलेंगे उनका काम है और हम अगर गलत रास्ते में चल रहे हैं तो हमें बताते हैं उनका काम है। तो साधु और गुरु कई काम है, तो जो शिष्य होता है तो वो तैयार रहता है गुरु उस पर बोले हैं तो उसको समझना है मानना है स्वीकार करना है, तो उद्योग नहीं पैदा होता। तो इसलिए आंदोलन कहा गया, ये हरे कृष्ण आंदोलन है, आंदोलन का भी मतलब ये आंदोलन का मतलब ये इसमें गति होगी। आपको जो है अगर नींद आ रही बहुत जोर से घर में आग लगी है तो दूसरा व्यक्ति जो है आपको जगा रहा है और डांट रहा है जागो भागो उठो भागो उठो भागो, क्या गलत करता है? आंदोलन है, आंदोलन का नाम ही है क्या मूवमेंट, नाम ही हरे कृष्ण मूवमेंट, इससे ही जो है लोग समझ जाते हैं कि भाई ये मूवमेंट है, ये आंदोलन है, हमको जो है अगर जगाया जाए और डांटा जाए तो हमें तैयार रहना है। और कोई जो है ऐसी इमरजेंसी है कि हमें बताया जा रहा है कि इस समाचार जो है कुछ बहुत ही अप्रिय है और हमें जो है इससे सावधान होना है, हमें सावधान किया जा रहा है, इस प्रकार का वातावरण जो है हमें बनाने की आवश्यकता। जब भक्त लोग जो है वैष्णव वेशभूषा में होते हैं उनकी शिखा है तिलक है ये सब चिन्ह होते हैं वैष्णवों के, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो जब देखता है तो उसकी चित्त प्रति शुद्ध होती है तो वो जो है विषय भोगों से वो हट करके उसका भी जो है उसका भी श्रद्धा पैदा होती है कि जीवन कुछ अलग ही है और अगर मैं दर्शन करूँ तो
मुझे उस अलग ही प्रकार की बातें बताएंगी, तो वो जो है सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर में अपना ही लगता है, अगर उपदेश देता है तो माता पिता को बुरा लगता है, ये क्या होता है, कल का बच्चा मुझे सिखाया है, हमारे सामने करता है, हमें सिखा रहा है, संन्यास लिया कि लोग जो है सुनने के लिए तैयार हो जाए। संन्यास की लोग कुछ बोलेंगे तो वो जो है प्रतियोगिता नहीं देंगे, बहस नहीं करेंगे, महाराज करेंगे तो कुछ तो प्रभुपाद गुरु भाई ने भी कहा कि प्रचार करना है तो संन्यास लेना पड़ेगा। तो संन्यासी है, विरक्त है, तो कोई बोल रहा है कि फिर लोग सुन भी नहीं, उनका अधिकार है बोलने का। और वृद्धावस्था में जो है ब्रह्मार का एक जो है बहुत बड़ा बल था, बुरा व्यक्ति कुछ बोलता है तो इस तरह की बातें हैं कुछ है, विचार करने की हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये वाला श्लोक है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जो है, उसमें अनुद्वेग शब्द आता है और फिर से प्रिय शब्द आता है, तो जाहिर सी बात है जो अनुद्वेग है वो प्रिय नहीं, मतलब अपने आप हाँ, प्रिय होगा। अच्छा प्रश्न है, पहले तो आता है उद्वेग, उद्वेग तो पता नहीं हुआ लेकिन फिर अप्रिय लगता है। कभी कभी जो है आपने कोई बात बोली किसी को तो उससे उसको उद्वेग तो नहीं हुआ लेकिन अप्रिय लगा, आपने उसको इस तरह से बोला कि वो जो है उद्वेग में तो नहीं हो रहा है, आपने तो बोला अच्छे तरीके से बोला लेकिन बात बहुत अप्रिय लगी। जैसे श्री राम ने जो है जब सीता जी से बात कही थी, जिस तरह से बात कही थी कि उनको उद्वेग ना हो, देवी मैंने जो है अपने वंश के गौरव के लिए, अपने वंश की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए मैंने जो है रावण का वध किया है, रावण का वध किया है, यदि युद्ध है मैंने किया, ये सब मतलब भगवान बोले, लेकिन फिर ये बोले लेकिन मैंने तो तुम्हें लाभ करने के लिए नहीं, जो युद्ध किया है मैंने तुम्हें लाभ करने के लिए नहीं किया, मुझे तुम्हारे चक्कर में संदेह हुआ। तो क्या हुआ, उद्योग तो नहीं हुआ सीता जी को, क्योंकि शुरुआत जो कि वस्त्र की जो सामान्य माध्यम होती है जो स्वीकार करने वाली बातें होती हैं, तो शुरुआत में आपने बोला जो युद्ध नहीं होता है और मानता है कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और फिर बाद में उस बात बोली कैसा लगा, बहुत अभी लगा। फिर अग्नि देव का जो है जब सीता जी को प्रमाणित करते हैं कि ये शुद्ध है और जो है सबके सामने प्रमाण करते हैं कि सीता जी के मन वचन और शरीर हर प्रकार से बिल्कुल पवित्र है, तो मैंने स्वीकार करो, तो श्री राम उनकी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, तो अग्नि देवता जो है बड़े अधिकारी के रूप में राम को आदेश दे रहे हैं कि अब मेरी आज्ञा है कि आप सीता को कोई अप्रिय वचन नहीं बोलना, सीता को अप्रिय वचन नहीं बोलना आप, तो आपने अप्रिय वचन बोले सीता जी को, आगे कभी सीता को अप्रिय वचन नहीं बोलना। तो श्री राम ने आगे चल करके तो क्या हुआ, सीता का त्याग तो किया, सीता को कुछ बताया नहीं, लक्ष्मण को कह दी तो जो है सीता जी को करना छोड़ दिया, और लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा बताई तो सीधे राम ने सीता को अप्रिय वचन नहीं बोले, फिर भी अप्रिय व्यवहार तो किया, राम का जो व्यवहार था सीता जी को भी बहुत अप्रिय था, लेकिन अप्रिय बात नहीं बोली, तो वचन का पालन किया, उस तरह से वचन का पालन किया। तो ये इस तरह की बातें हैं, और रुक्मिणी देवी की बड़ी सीता जी हैं, जब श्री कृष्ण जो है बोलते हैं कि देवी
तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा अच्छा अच्छी प्रकार से सेवा करेंगे तुम्हारी, तो तुम चले जाओ उनके पास। तो रुक्मणि को जो है फिर बहुत डर लगा, बहुत भयभीत हुई रुक्मणि थी कि जैसे पहले त्याग किया था मेरा त्याग करना चाहते हैं। तो रुक्मणि जी बहुत डर गए। तो कृष्ण भी जो है मतलब रुक्मणि से अपने वचन नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी रुक्मणि को बहुत भय हो गया कि मेरा त्याग करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है कि उद्वेग पैदा ना हो और अप्रिय भी ना लगे, तो ये कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। लेकिन फिर आवश्यकता पड़ने पर कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं जो अप्रिय लगती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति से बोली जाती हैं जो बहुत गंभीर होता है, बुद्धिमान होता है, और वो उनको अप्रिय लगने पर भी स्वीकार कर लेता है कि हाँ जैसे कि दवाई कड़वी होती है, लेकिन जो बुद्धिमान योगी होता है तो उसको पी लेता है। भीषण जी रावण से कहते हैं, सर्वथा बहु राजन सत्तम प्रिय बाकी नाम अप्रिय सत्यता चलो लगा राजन, ऐसे लोग तो बहुत सुलभ हैं, बहुत मिल जाएंगे, सततम प्रिय बात है, ये हमेशा प्रिय बोले। आप राजा हैं, राजा को प्रिय वचन बोलने वाले हमेशा मिल जाते हैं, प्रसन्न करने वाले, क्योंकि राजा से तो बहुत लाभ होने वाला है। तो बहुत लोग हैं जो हमेशा प्रिय बोलने वाले होते हैं, अप्रिय से क्या पथ्य से मतदा लेकिन अप्रिय हो और हितकारी बात बोलने वाला, पथ्य काम बात है जो हितकारी अप्रिय लेकिन हितकारी बात बोलने वाला वक्ता और श्रोता दुर्लभ है। सुनने वाला भी बहुत दुर्लभ है, बोलने वाला भी बहुत दुर्लभ है, जो सुने हैं वो भी बड़ा मुश्किल है सुनने वाला और बोलने वाला भी बड़ा मुश्किल है। तो ये बात कहकर के भी वो उस बात को जो है वो कुछ है प्रिय बना रहे, इससे जो है जो व्यक्ति तैयार हो जाए उसको फिर उतना अप्रिय नहीं लगेगा। जब आप बोल देते हैं कि भाई कुछ अप्रिय समाचार है आपको, तो आप तैयार हो जाते हैं जब कई समाचार है सुनने के लिए, अगर क्या क्या बात है, तो फिर आपको बताया जाता है कई समाचार है तो आपको फिर उतना अप्रिय नहीं लगता, क्योंकि आप तैयार हो गए और मेरा बिल्कुल तैयार नहीं है बोल दिया और उद्वेग भी पैदा हो जाएगा एकदम से। तो ये कला है, ये बोलने की कला भगवान की तरफ तपस्या, ये तपस्या जो है ये आपकी कला है आपको सीखना है, आपको जानना है। साधु संघ में जो है आप ये कला सीखते हैं, बिना साधु संघ के आप कोई कला नहीं सीख सकते। प्रभुपाद जी जब राजकरण बोलते हैं, राजकरण भी बोलते हैं तो इतना मधुर स्वरण बोलते हैं युव राजकरण, जब प्रभुपाद बोलते हैं युव राजकरण तो वो बड़ा स्वर जो है उनका बड़ा कोमल होता है, प्रभुपाद का जो स्वर है स्त्री से जो है भगवान सन्यासी हैं, थोड़ा दूरी रहते हैं,
जैसे आपने बोला प्रिय प्रिय कटु है सत्य, लेकिन प्रिय तो मतलब सत्य प्रिय तो जो मतलब कटु लग ही जाता है। रामायण जैसे बोला गया है कि सती व वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन ती न हो ही वेग ही नाश। अगर हम किसी से छिपा करके कुछ उसकी खुशामत करने के लिए कुछ बोलते हैं तो सत्यता तो प्रकट नहीं होती है, उसका हम ना भी करते हैं। हाँ, तो इसका जो है विचार करना होता है, क्योंकि हो और चेतकारी भी हो आपको जो भी बोलना है उन्हें भी उसमें हित भी होना चाहिए। तो वाणी की तपस्या में चार चीज़ें हैं और उनको कोई ये भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, आप ये बोल रहे हैं हितकारी भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। तो जो है डॉक्टर है डॉक्टर गैर है तो आपको ध्यान रखने में नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप कोई बीमारी सत्य नहीं मैत्री है आपको बात भी है तो आप में सबसे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो उद्योग तो नहीं हो रहा है लेकिन सत्य नहीं है, फिर तो ये भी नहीं हो रहा है सत्य भी आप बोल रहे हैं लेकिन प्रिय नहीं, तो वो भी यथासंभव उसको प्रिय बनाइए, आप उसको अप्रिय की सूचना दे देंगे बस अप्रिय की बात बोलना हूँ समाधान करने से तो पहले से माफी मांग लेते हैं समाधान तो व्यक्ति जो है पहले से तैयार हो जाता है कि आप मुझे क्षमा करना वो भी जो है तरीका है यथासंभव आपने उसको भी प्रिय बनाया किस तरह से बोलना पड़ता है। और प्रश्न आप लोगों से कोई चर्चा है भगवान रामायण राय से जो कह रहे हैं कि आम आम ही एक भागवत कमी द्वितीय भागवत होती है, तो ये भगवान किस दृष्टि से कह रहे हैं, अपनी दृष्टि से कह रहे हैं या लोगों सामान्य लोगों की दृष्टि से कह रहे हैं, सामान्य लोगों की दृष्टि से कह रहे हैं भगवान समाज लोगों की दृष्टि से कह रहे हैं, तो ये भी एक दृष्टि है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपका कोई भी कार्य करने का तरीका सही है या इरादा सही है, लेकिन वे लोग ही समझेंगे वे लोग उल्टा समझेंगे वो क्या आपको विचार करेंगे। तो लोगों की नजरों में मैं भी पागल हूँ तो भी पागल तो ये बात है जो है कौन सी चर्चा है जिसको ये चरण मना कर रहे हैं, किस प्रकार की चर्चा को मना कर रहे हैं राधा कृष्ण के जो संबंध है ये बहुत दिव्य है बहुत ऊंचे चाहते हैं ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मना किया था कि मत छापो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर गीत गोविंद को छापने के लिए अपने पिता भक्ति ठाकुर से आज्ञा मांग रहे थे और उन्होंने जो है प्रेस स्थापित की थी तो प्रेस में मुक्ता छापने की, तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि अगर छापना है तो केवल एक ही पुस्तक छापो अपने लिए, केवल तुम्हें इसको पढ़ने के योग्य हो, छापना भी केवल एक प्रति छापना एक पुस्तक छापना अपने और किसी को नहीं, ये समाधान है जो कि हमें समझ में आया। तो ये जो समकक्षता की यहाँ जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं भी पागल हूँ तुम भी पागल हो, तो इस समकक्षता की हम तुलना कैसे मतलब आंकड़ा कैसे लगा सकते हैं कि हमारे तुलना तुलनीय भक्त हैं हम उनसे अपने हृदय की इस पूरे बात को हम कहें तो उसका पता हम कैसे आकल लगाएंगे। भक्त जो है जिस धरातल पर होता है जिस प्रकार की चर्चा में जो है एक दूसरे से हम समझ सकते हैं समझा सकते हैं वो समान धरातल पर लाते हैं, इसको प्रीति दर्शन कहा जाता है। धरा भी यदि जो छिपाने लायक बातें हैं वो बताता भी है उसका भी है, एक भी लक्षण
गुरुद्वारे में सिखाता हूँ लेकिन आपसे बताता हूँ और आपसे पूछता नहीं जो बातें सर से नहीं पूछता हूँ सर को नहीं बताता हूँ उसके यहाँ से पूछता हूँ जो प्रीति रसोई अपने बराबर था भगवान है ना भगवान है लेकिन भक्त के लोग हैं ये जो है अपने कर रहे हैं तो अपने बराबर के धरातल से ही जो है हम वो बातें हम कर सकते हैं सामान्य लोग छिपाना पड़ता है इस तरह से भगवान जो है ये दिखा रहे हैं कि भक्त को जो है ये बातें भक्तों के समाज में हम करते हैं तो वो कुछ भी उसमें दोष नहीं होता है जनता में जब हम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है हमें क्या बोलना है किस में बोलना है किससे बोलना है क्या बोलना है जितना भी कूड़ा करकट अपने दिमाग का है तो निकाल करके चैतन्य की शरण ले लो तो ये सब आविष्कार करने पड़ते हैं हम लोगों को इतना बात बोलने के लिए क्या बोलना है जिससे कि वो प्रति भक्ति में आ जाए गंधरा गंधरा से ही चैतन्य